जो चीज हमारे आपके साथ में जा सकती वो केवल परमात्मा की भक्ति है, सूरत शब्द नाम की कमाई है। इसलिए घाट पर बैठ करके आप सभी लोग नित्य भजन ध्यान तोरण करते रहना, यही जीवन का सार है, यही आधार है। और इसी देश के लिए हम लोगों को यह मानव तन मिला। यदि अब की बार इस मौके से हम लोग चूक गए, दोबारा मौका नहीं मिलने वाला, हम भटकते रह जाएंगे, कभी नरकों में तो कभी 84 लाख योनियों में। 4-5 84 लाख योनियां ये मामूली योनियां नहीं होती। 4 कोण यानी अंडज पिंड उपमज और स्थावर। पहली श्रेणी पेड़ पौधों की आती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। दूसरी श्रेणी कीड़े मकौड़ों की आती जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती। चौथी चौपाए जानवरों की आती। पांचवी स्वयं इंसान की आती है जिसके अंदर पांचों तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्व मौजूद होते हैं। इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। कई जन्म भय की पतंगा, कई जन्म भय नील पुरंगा, कई जन्म पंखी तरकुलियो, कई जन्म एवर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकारिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप कभी कीड़े पतंगों की योनि में भटक रहे, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका खा रहे। प्रेमी भाई बहनों, बड़े ही सौभाग्य से हमको यह मानव तन प्राप्त हुआ और इसी उद्देश्य के लिए हमको यह मानव तन मिला है, ताकि हम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके सुरत शब्द नाम की कमाई करके अपनी जीवात्मा का कल्याण कराने और सदा सर्वदा के लिए इस भव सागर से पार हो जाए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम आप बहुत सौभाग्यशाली है, ऐसे समर्थ महापुरुष हम लोगों को मिले। नाम की अमोलक दौलत बखूज की हमारा आपका सभी का फर्ज बनता। सभी लोग घाट पर बैठ करते हैं, नित्य भजन ध्यान स्मरण करते रहे। और जो गुरु महाराज हम प्रेमी भाई बहनों को आदेश और निर्देश दे करके गए, शाकाहारी का प्रचार और प्रसार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहिएगा। गुरु महाराज की भविष्यवाणियों की पुस्तकों का संकलन करवाया गया, कौन से समय में गुरु महाराज ने क्या क्या वचन कहे, एक छोटी सी पुस्तक बनाई गई। आप सभी लोग उस पुस्तक को, गुरु महाराज के संदेश को जन जन तक पहुंचाइएगा, ताकि सभी लोग गुरु महाराज के संदेशों को जान सकें और अपना मानव जीवन सार्थक कर सके। और प्रेमी भाई बहनों, अभी समय पर चारों तरफ से सील हुआ है, पुलिस प्रशासन ने चारों तरफ से रोड बंद कर रखी है, नाकाबंदी कर रखी है। इसी वजह से आप प्रेमी भाई बहनों को रोका गया, ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ या कोई कष्ट पीड़ा ना हो। इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, आगे जब कभी मौका मिलेगा आप लोगों के दर्शन पर्शन के लिए हम जरूर आएंगे और आप लोगों को दरबार में जरूर बुलाएंगे। आप सभी प्रेमी भाई बहनों को रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, सबका जीवन मंगलमय हो। गुरु महाराज के श्री चरणों में हम यही प्रार्थना करेंगे कि हे मालिक, हम प्रेमी भाई बहनों को अपनी पनाह में बनाए रखना, अपने चरणों में लगाए रखना, संगत की सेवा में लगाए रखना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वहां
चादर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का।